Hello students, how are you all of you? I hope you are fit and fine at your home. और आप अपने स्कूल को तो मिस करते ही होंगे, अपने क्लासेस को, है ना? हम लोगों ने पिछली बार 5 चैप्टर पढ़ा था, एंड देन आज हम क्या पढ़ेंगे? 6 चैप्टर, वेदर एंड क्लाइमेट. ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. Humans have always been interested in weather. Humans जो है हमेशा से ही interested रहा है किसमें? Weather में. For thousands of years they have observed the weather and tried to predict it. However, their knowledge about the weather was not. मतलब जो humans के पास knowledge है वो बहुत systematic नहीं था, बहुत ही systematic नहीं था, but वे हमेशा से ही जो है वेदर को ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते रहे. वी यूज अ वैरायटी ऑफ टर्म्स सच एज हॉट कोल्ड. हमारे पास कई तरह के वेदर हैं, जैसे कि हॉट कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी, मीन्स बहुत तरह के वेदर हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं वेदर कंडीशंस को. एक्चुअली दीज टर्म्स एक्सप्लेन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मूवमेंट ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी. ये सब जो है ये टर्म्स जो है हमें एक्सप्लेन करती है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में, और एयर टेम्परेचर मींस एयर का टेम्परेचर क्या है, एयर का प्रेशर क्या है, मोमेंट क्या है. ओके, एंड दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ये जो है मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है? क्या? एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मोमेंट ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो है मेन एलिमेंट्स हैं. अभी हमारे माइंड में ये आता है कि वेदर और क्लाइमेट में जो है डिफरेंट क्या है, ठीक है? दोनों में फर्स्टली वेदर को डिफाइन करते हैं. वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी. मीन्स वेदर हम कैसे बताएंगे कि जो है एक ऐसा वेदर, हम वेदर को इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि जैसे हम लोग कहते हैं आज का मौसम कितना अच्छा है. अगर हवा जो है थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम थोड़ा बादल होता है तो हम कहते हैं ना कि आज वेदर बहुत अच्छा है, है ना? तो उस वही चीज़ को जो हम एटमॉस्फेयर फील करते हैं उस टाइम पर, प्लेस पे, वही चीज़ को हम कहते हैं वेदर. द टर्म वेदर शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ क्लाइमेट. वेदर को, ये जो टर्म है वेदर, ये क्लाइमेट के थ्रू हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट एक है, ठीक है? दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है. अब हम देखते हैं क्लाइमेट किसे कहते हैं. क्लाइमेट किसे कहते हैं? जैसे कि जहाँ का एटमॉस्फेयर मींस एक हमेशा, जैसे जहाँ का एटमॉस्फेयर एक ही होता है, जैसे कि डेजर्ट एरिया में होता है ना कि वहाँ पे बहुत ही हॉट वो रहता है, मींस बहुत ही गर्म वहाँ का वो रहता है क्लाइमेट, तो वहाँ के लिए हम क्लाइमेट यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही वैसा ही मौसम बना रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दिया भी है कि ओवर अ लार्ज रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मींस जहाँ पर लंबे समय से एक ही जो है वो रहे वहाँ, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं. देयरफॉर क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 35 to 40 years, ठीक है? इतने ईयर से जो है वहाँ तक उस लार्ज एरिया में क्या कंडीशन, वेदर कंडीशन एवरेज जो है क्लाइमेट का सेम ही रहता है. तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे वो कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है? एंड द कंडीशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर कीप्स चेंजिंग. क्या होता है, कंडीशंस होते हैं डिफरेंट जिसकी वजह से ये वेदर चेंज होता रहता है. एंड हर एक जगह पर अलग अलग वेदर होता है, हर एक जगह, हर एक प्लेस पर, हर एक समय पर. ओके, एंड ये वेदर का जो है कंटिन्यूसली जो चेंज होता है ये फिनोमिना होता है कि हाँ वेदर को चेंज होना है. खास करके हमारे इंडिया में देखते हैं हम लोग कि हम बहुत लकी हैं कि हमें हर एक मौसम मिलता है, ठीक है? चाहे वो गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जैसा भी बारिश का मौसम हो, हर एक जो है मौसम हमारे इंडिया में होता है, ठीक है? एंड अभी हम देखते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देन मीजरमेंट, मींस टेम्परेचर को मीज़र कैसे करते हैं, फिर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये आपका चैप्टर काफ़ी लेंदी है, थोड़ा हम लोग फास्टली पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका लास्ट चैप्टर है हाफ ईयर एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो देखते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है। द सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी। सन के थ्रू हमें क्या होता है, हीट मिलता है और लाइट मिलती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। ये चीज़ क्या कहलाता है, सोलर रेडिएशन कहलाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अस। ये जो है मेन सोर्स है हमारे लिए हीट और लाइट का, कौन, सन, ओके। हाउ एवर ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट, अबाउट 1 in 200 million ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एबल टू रीच द अर्थ सर्फेस। मीन्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाई द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इंसोलेशन, ठीक है। जो एक अमाउंट में हमें सोलर रेडिएशन रिसीव होता है अर्थ से, उसे हम अर्थ के सरफेस से, उसे हम क्या कहेंगे, इंसोलेशन, ओके। द वर्ड इंसोलेशन हैज़ बी डिराइव्ड फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये जो इंसोलेशन वर्ड है कहाँ से डिराइव्ड है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, ओके। देखो इंसोलेशन है ना, तो इनकमिंग में इन है एंड सोला है, यहाँ पे सोलर में एस ओ एल ए लिया जाएगा एंड इसमें टी आई ओ एन। जब हम इस इन वर्ड्स को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इंसोलेशन, ओके। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देन क्या है कि अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्स मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। अर्थ का जो सरफेस है वो सोलर रेडिएशन दिन में ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। एट नाइट द हीट विच वाज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे इट इज रेडिएटेड बैक। और रात में क्या होता है, वो जो हीट एब्जॉर्ब किए रहता है उसको वो करता है, मीन्स जैसे रात में अगर इतना सन के थ्रू इतना एनर्जी ऑब्जॉर्ब ना किया रहे, रेडिएशन ऑब्जॉर्ब ना किया रहे अर्थ, तो फिर रात में तो बहुत ठंडी रहेगी ना। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ओके। एंड द मीज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग मीज़र कैसे करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीज़र द टेम्परेचर ऑफ फ्री मूविंग एयर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मीन्स समझते ही होंगे आप लोग, नॉर्मली आप लोगों के घर में भी होगा, आप लोग फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना। द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर इज केल्विन। ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, ये मीन्स इसे हम सन समझ सकते हैं। एंड अर्थ के पास जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, फर्स्टली ये चीज़ सबसे ज़्यादा हीट होगा, देन थोड़ा सा और, फिर क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर के साइड में हीट होगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल स्केल इन यूज आर द फारेनहाइट। फारेनहाइट पर क्या होता है, फारेनहाइट एंड सेल्सियस। द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल, जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल होता है किस पे हम उसे यूज करते हैं, फारेनहाइट और सेल्सियस पर, ओके। ऑन द फारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 degree फारेनहाइट, ओके। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 फारेनहाइट। ऑन द सेल्सियस स्केल इट इज 0 degree सेल्सियस एंड 100 degree सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। एंड देन अब हम देखते हैं हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। द सोलर रेडिएशन विच पास थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस डज नॉट हीट इट इफ इट मच, बट द सोलर रेडिएशन इज एबल टू हीट द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली। द एयर रेस्टिंग ओवर द अर्थ सर्फेस गेट्स हीटेड ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द हॉट सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दिस हीट इज फर्दर ट्रांसमिटेड टू द अपर लेयर एंड द एटमोसफेयर इज हीटेड। क्या होता है कि एटमोसफियर हीट कैसे होता है, जो सोलर रेडिएशन पास होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या होता है, पहले कहाँ पर पहुँचता है, अर्थ के सरफेस पर। डज नॉट हीट इट मच, ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं करता, बट द सोलर रेडिएशन इज एबल टू हीट द अर्थ सरफेस।
बट क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो होता है अर्थ के सरफेस को डायरेक्टली हीट करने में एबल होता है, एंड द एयर रेस्टिंग ओवर द अर्थ सरफेस मीन्स यही होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। एयर टेम्परेचर इज नॉट सेम एवरीवेयर, एयर टेम्परेचर जो है हर एक जगह पर सेम नहीं होता है। इट आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये क्या होता है हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव बाय द प्लेस। क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है प्लेस पर जो है डायरेक्टली डिपेंड होता है किस के थ्रू, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन के थ्रू जो कि रिसीव होता है उस प्लेस से, उसी के थ्रू उस प्लेस के टेम्परेचर को हम समझ सकते हैं। ठीक है, इन जनरल द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, एंड क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द अर्थ सरफेस द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री हीट जोन। क्या होता है कि जो हीट रिसीव होता है अर्थ के सरफेस के थ्रू वो क्या होता है, द वर्ल्ड हैज़ डिवाइडेड इनटू थ्री हीट जोन, जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या थ्री हीट जोन्स में डिवाइड है। वो थ्री हीट जोन क्या है, ये है देखो, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन। ओके, और लोकेशन ऑफ द रीजन दिया है, फीचर्स दिया है, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये हीट जोन ऑफ द अर्थ है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड देन देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। लाइक एनी अदर मैटर एयर टू हैज वेट, द एटमॉस्फेयर एक्सपर्ट्स इट्स वेट एज प्रेशर ऑन द अर्थ सर्फेस, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है कि जो है एयर में एयर हैज टू वेट। ओके, और जो एंड क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में एग्जर्ट्स इट्स वेट द एज प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, ये क्या, इसे क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ओके, द वेट ऑफ एन एयर कॉलम स्टैंडिंग ओवर 1 square centimeter एरिया ऑफ द अर्थ इज मोर देन 1 kg, द वेट ऑफ द एयर कॉलम इज मैक्सिमम एट द मेन सी लेवल। क्या है, द वेट ऑफ एन एयर कॉलम स्टैंडिंग ओवर 1 square centimeter, ठीक है, जो एयर का वेट होता है एक कॉलम में क्या होता है, स्टैंडिंग ओवर 1 square centimeter एरिया होता है, कहाँ पर, ऑफ द अर्थ इज मोर देन 1 kg, 1 kg से मोर देन होता है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। आपको बैरोमीटर एंड थर्मोमीटर ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे की क्लासेस के लिए भी। एंड द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर किसके थ्रू करते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, बैरोमीटर। ओके, एंड देन देखते हैं हम क्या है, द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 76 centimeter ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर। मिलीबार को हम एमबी के थ्रू दिखाते हैं, इज द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर। एमबी मीन्स जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मेजर करते हैं तो उसे एमबी में दिखाते हैं, ठीक है, मिलीबार के थ्रू। द हाइट ऑफ 3 mm ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर शोज 4 mm ऑफ एयर। क्या होता है जो द हाइट ऑफ 3 mm, हाइट ऑफ 3 mm मर्करी की जो हाइट होती है 3 mm की कॉलम में, वो इन द बैरोमीटर शोज 4, बैरोमीटर में क्या होता है 4 mm एयर प्रेशर वो शो करता है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है प्लेस अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइम के साथ चेंज होता रहता है। द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। क्या होता है जो है टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का क्या टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द एयर क्या है, और जिस प्लेस पर, हाइट ऑफ अ प्लेस एबव द सी लेवल से उस प्लेस की हाइट क्या है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, उस मींस
एयर में कितना अमाउंट में मॉइस्चर है, ये होता है। द एयर विच रेस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस एक्सपैंड ऑन बींग हीटेड एंड बिकम लाइट, इट राइजेस अपवर्ड एंड क्रिएटेड एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। मीन्स इसमें यही बताए हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, किस तरीके से होता है, ये आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये समझ लीजिए आपका अर्थ है, ओके। इसमें आपने देखा ना कि हीट जोन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, एंड क्या है, फ्रिगेट जोन, ओके। तो क्या इसमें है, मान लीजिए ये आपका सोर्स ऑफ हीट है, ओके। हीट मीन्स एज अ सन, इसे समझ लीजिए, ये सन है। तो जाहिर सी बात है अगर जो विंड है इस तरीके से चल रहा है इसे साइड में, तो जाहिर सी बात है जितनी गर्मी है सन की, जितनी भी हीट है वो इसी एरिया में ऐसे ऐसे चलेगा, और यहाँ से मीन्स यहाँ तक तो हीट जाएगा, उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, मीन्स जो विंड है वो कोल्ड हो जाएगी, ओके। तो जो उसका एयर जो प्रेशर है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, तो वहाँ पर वो ठंडा हो जाएगा। एंड देन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे होता है, सी लेवल पे। बट ऑन द माउंटेन्स द थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज लेस एंड हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो लेस। क्या होता है, बट द माउंटेन्स, माउंटेन्स पे क्या होता है, द थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज लेस एंड हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो लेस। और क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेस हो जाता है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है प्रेशर ऑफ विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा जो है अर्थ है, यहाँ पर ये पोल है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विंड की मतलब किस तरीके से यहाँ पर सीधा जाता है, एंड देन विंड का प्रेशर कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स इस तरीके से होते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं इस तरीके से होते हैं, एंड साउथ, जब इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। एंड देन हम देखते हैं विंड्स, ओके। एयर ब्लोस फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। क्या एयर जो है हाई प्रेशर से बहता है एंड लो प्रेशर से डाउन हो जाता है। एयर दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड विंड। जो एयर जो है हॉरिजॉन्टली मूव करता है उसे हम विंड कहते हैं, ठीक है। द वर्टिकल मोमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करेंट। अगर उसमें वर्टिकल मोमेंट होता है तो उस एयर को हम कहेंगे एयर करेंट, ओके। विंड इज नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम विच, एंड जो विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोस। विंड का नेम कैसे हम लोग रखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है बहने का, उसके थ्रू हम विंड का नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना, तो इस तरीके से हम नाम उसका रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया गया, इफ़ द विंड ब्लोस फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। क्या होता है कि अगर विंड जो है वेस्टर्न साइड में ब्लो करता है तो क्या कहलाएंगे इसे, इट इज वेस्ट विंड, इट इज कॉल्ड वेस्ट विंड, हम इसे वेस्ट विंड कहेंगे। ड्यू टू अर्थ रोटेशन विंड इज रिफ्लेक्टेड टूअर्ड द राइट इन द नॉर्थन है। मीन्स क्या होता है, जिस तरीके से अर्थ का रोटेशन होता है वैसे ही विंड इज रिफ्लेक्टेड, मीन्स वो उसी तरीके से विंड का जो ब्लो है, मीन्स किस तरीके से ब्लोइंग करना है उस तरीके से होता है। एंड द स्पीड ऑफ द विंड आल्सो वेरीज ग्रेटली, द स्पीड ऑफ द विंड आल्सो वेरीज ग्रेटली, इफ देयर इज अ क्विक चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट केस द विंड इज ब्लो फास्ट एंड वाइस वर्सा। इन 1805 अ ब्रिटिश नावल ऑफिसर
नेम्ड सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड डिवाइस्ड अ 13-level स्केल टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड. दिस स्केल रेंज फ्रॉम एब्सोल्यूट काम कंडीशन टू अ ह्यूरिकेन. क्या होता है इस देखिए ये फिगर में दिया गया है ब्यूफोर्ड स्केल ऑफ विंड्स. ठीक है जो कि किसके थ्रू था सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड. ठीक है उनका उनके नाम के थ्रू ही ये जो है बना है स्केल. तो यहाँ पर हम देखते हैं जब काल्म हवा होता है एक क्रो है एक डाल पर बैठा है. ठीक है जब काल्म हवा होती है तो क्या होता है वो काल्म हवा होती है तो नॉर्मल होता है लाइट एयर होता है तभी वो नॉर्मल होता है. लाइट ब्रीज होता है मींस तब थोड़ी ठंडी हवा रहती है. जेंटल ब्रीज होता है तभी कोई एंड मॉडरेट विंड होता है तो उसे वहाँ पे बैठने में दिक्कत होती है. फ्रेश विंड होता है तो वो आराम से बैठ सकते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड होता है तभी वो उसी डाल पे बैठा है पेड़ के. ठीक है एंड देन क्या होता है मॉडरेट गेल होता है तो वो वहाँ से मींस उलट जाता है. एंड गेल होता है तो देखिए फिगर में किस तरीके से दिख रहा है कि आंधी तूफान किस तरीके से. ठीक है एंड देन स्ट्रॉन्ग गेल में ये है एंड स्टॉर्म क्या होता है तो क्या होता है पेड़ गिर जाती है और वो कौआ उड़ जाता है. वायलेंट स्टॉर्म में वो कौआ गिर जाता है और मे भी मर भी जाता है. एंड हरिकेन ठीक है हरिकेन एक प्रकार का विंड है. एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ अ विंड वेन. विंड के डायरेक्शन को हम किसकी हेल्प के थ्रू जान पाते हैं विंड वेन के थ्रू. द स्पीड ऑफ द विंड इज मीजर्ड इन मीजर्ड विथ एन एनीमोमीटर. ठीक है एनीमोमीटर के थ्रू हम जो है विंड की स्पीड को मीजर करते हैं. ठीक है एंड द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड आर नेवर फिक्स्ड. जो जो है क्या होता है डायरेक्शन और स्पीड होता है हवा का वो कभी फिक्स नहीं होता. वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई विंड्स इनटू थ्री मेजर टाइप्स. विंड को हम थ्री मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं क्या क्या प्लैनेटरी विंड्स पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स. प्लैनेटरी विंड्स में क्या होता है सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. वो ईयर में जो है कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो ब्लो करती हैं कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर एक ईयर में एक ही डायरेक्शन में. ठीक है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ईयर में ब्लो करती हैं. एंड देयर विंड्स आर नो एज प्रिवेलिंग विंड्स आर परमानेंट विंड्स आर मीन्स उन्हें हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं. ओके एंड दीज विंड्स ऑरिजिनेटेड ड्यू टू द प्रेशर प्रीसेंस ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. ये क्या होते हैं कभी क्या होता है कभी हाई हो जाते हैं कभी लो हो जाते हैं अर्थ के सरफेस पर. द मेन टाइप ऑफ प्लैनेटरी विंड्स प्लैनेटरी विंड्स जो है ट्रेड विंड्स होते हैं वेस्टरीज विंड्स होते हैं पोलर विंड्स होते हैं. ठीक है एंड देन हम देखते हैं पीरियोडिक विंड्स. ठीक है सर्टेन विंड्स हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्स देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली. दीज विंड्स ब्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. क्या होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे आर ईयर. क्या होता है दिन मतलब साल में उस इस दिन पर जो है इस तरीके की जो हवा है ब्लो करेगी एक डेफिनेट डायरेक्शन में. ये एक फिक्स होता है. सच विंड्स आर कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स. दे आर कैस्ड बाई अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस. एंड मीन्स क्या होता है कि जो है क्या होता है द मेन टाइप इसके भी इस पीरियोडिक विंड्स के भी टाइप होते हैं मानसून विंड्स लैंड एंड सी ब्रीज. ठीक है एंड देन लोकल विंड्स. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विंड्स विथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लो वेरी स्मॉल एरियाज. दीज विंड्स ब्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम. कुछ विंड्स ऐसे होते हैं ना कि थोड़े समय के लिए आते हैं और बहते हैं और क्या होता है मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल एंड देयर नेम्स आर यूजली डिराइव फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज. सम लोकल विंड्स आर लू चिनूक हरमट्टन. ये सब जो हवाएं हैं लोकल विंड्स के नाम है. ठीक है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिकल साइक्लोन बाज. ठीक है ये क्या हुआ था ऑन 29 नवंबर 2005 अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था
उसका नाम क्या था? बाज था। वाज फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बे ऑफ बंगाल में आया था, जो कि साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, नियर द आइलैंड, श्रीलंका के आइलैंड के करीब है। इट ऑरिजिनेटेड टूवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉइस्चर किसे कहते हैं। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू। क्या होता है मॉइस्चर जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? ये जो है एक सॉलिड, लिक्विड, गैसियस उस फॉर्म में होता है, और इसका जो अमाउंट है मॉइस्चर का एयर में, टाइम के हिसाब से और समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से और टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। एंड देन इवापोरेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर। इट इज एडेड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू, ये हम छोड़ देते हैं, ह्यूमिडिटी भी हम छोड़ देते हैं, कंडेंसेशन। अब हम देखते हैं, ये आप लोग खुद से बस रीड कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। एंड रेनफॉल मतलब समझ ही रहे होंगे, व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है जब एयर जो है अर्थ के हॉट सरफेस से जो है कॉन्टैक्ट में आता है, इट गेट्स हीटेड, ये गर्म हो जाता है एंड बिकम लाइट एंड राइजेज इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। आफ्टर द मीन्स रेनफॉल हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल के ये जो है वेज हैं कि इस तरीके से रेनफॉल होते हैं। साइक्लोनिक होता है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड डिप्रेशन इन द टेम्परेच। ये सब सिर्फ आप रीड डाउन कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। एंड ये आपका लास्ट चैप्टर था, आपका ज्योग्राफी पोर्शन भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पर्पज़ से कंप्लीट हुआ। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। एंड आप लोगों का ये होमवर्क है कि जो है टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आप खुद से करिए, ओके। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पर्पज़ से लर्न करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। आपका हिस्ट्री पोर्शन अब कल से स्टार्ट होगा, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।